और रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद बिहार की सियासत गरमाई है। जमुई से सांसद चिराग पासवान ने बिहार के हालातों का हवाला देते हुए सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने सीएम पर बांटने की सियासत करने का आरोप लगाया। उन्होंने हालातों को देखते हुए सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत की। ओरिजिनल लाल किले की प्राचीर से तो संभवतः कभी झंडा फहराने का, तिरंगा फहराने का ख्वाब मुख्यमंत्री जी का पूरा होगा नहीं। तो भाई ऐसे ही एक नकली लाल किला अपने पीछे लगा दिया जाए, संभवतः कल को उसका एक नकली मॉडल तैयार करके उसी की प्राचीर पे खड़े होके मुख्यमंत्री तिरंगा लहरा दे, शायद इसी तरीके से उनका सपना पूरा हो। बताइए किस तरीके से ये अपना ही मजाक उड़ाते हैं, लाल किले की तस्वीर अपने पीछे रखते हैं, उसी के आगे ये खुद विराजमान होते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि भैया अगर असली लाल किला नहीं तो कम से कम उसकी तस्वीर की प्राचीर पे ही हम तिरंगा फहराने का हम ख्वाब अपना पूरा कर लें। बट बहरहाल हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व ढंग से नहीं निभा पाए, वो देश की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएंगे? किस मॉडल के साथ जाएंगे मुख्यमंत्री जी देश की जनता के सामने? क्या बिहार में हो रही हत्याओं को लेकर जाएंगे, या बिहार में हो रहे दंगों को लेकर जाएंगे, या जहरीली शराब से हो रही हत्याओं को लेकर, या बिहार में गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर? क्या मॉडल देश की जनता के सामने रखेंगे?